हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, कब और कैसे कराया जाता है, साथ ही पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैलिड रहता है और कब ये इनवैलिड हो जाता है, और अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो वहां से उसे बेचना चाहता है तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी कैसे तैयार करेगा, इन सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित कर सकता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियली और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वो प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है और ये फैसले कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड होते हैं। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है, लेकिन एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उसके फैसले से प्रिंसिपल को अगर कोई नुकसान होता है तो एजेंट को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या किसी दूसरी वजह से कोर्ट जाने के प्रोसेस से बचना चाहता हो या वो अहम फैसले लेने में अक्षम हो, डिसेबल्ड हो, लेकिन मानसिक रूप से वो सेहतमंद होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी कितने प्रकार की, कितने तरह की होती है। पावर ऑफ अटर्नी काम के उद्देश्य से दो तरह की होती है। एक तो होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि GPA और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी यानी SPA। इसको अगर हम मोटे तौर पर समझें तो किसी खास काम के लिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है तो उसको SPA स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है, जैसे कि कोई डील वगैरह फाइनल करना, जबकि GPA के जरिए एजेंट कई मामलों में अलग फैसले ले सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रजिस्ट्री और GPA आखिर क्या होते हैं। GPA किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है, इसे मुख्तार नामे आम भी कहा जाता है। GPA के जरिए बैंक अकाउंट ऑपरेट और लॉकर ऑपरेट करने, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने के अधिकार से लेकर दूसरे तमाम कामों का अधिकार इसमें दिया जाता है। हालांकि GPA कभी भी रद्द किया जा सकता है, कभी भी इसको खत्म किया जा सकता है, और इसे रद्द करने के बाद जिसके नाम से GPA बनाया गया है उसे एक नोटिस दिया जाता है। साथ ही पेपर के जरिए ये भी बताया जाता है कि GPA को रद्द कर दिया गया है। कुछ GPA ऐसे भी होते हैं जो कि इरिवोकेबल होते हैं यानी जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल केस में ऐसे GPA को भी रद्द किया जा सकता है। इसी तरह से स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी होता है जिसे किसी भी खास काम के लिए बनाया जाता है, उसे भी रद्द किया जा सकता है। GPA यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी का दायरा SPA यानी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी से बड़ा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी कब तक लीगल होता है यानी कब तक वैलिड होता है और कब ये इनवैलिड हो जाता है। पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल या एजेंट की मौत के बाद वैलिड नहीं रहती है, ये इनवैलिड हो जाती है अगर किसी दुर्घटना के असर से प्रिंसिपल किसी कानूनी दस्तावेज पर साइन करने की दशा में नहीं रहता है तो पहले की गई पावर ऑफ अटर्नी समाप्त हो जाती है, वो इनवैलिड हो जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड के जरिए पहले की गई पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल भी कर सकता है और काम पूरा होने पर SPA यानी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को खत्म कर दिया जाता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से भी पावर ऑफ अटर्नी को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, और चाहे वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी या जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो, उसको कभी भी अगर दोनों पक्ष सहमत हैं, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों सहमत हैं, तो कभी भी वो आपसी सहमति से उसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब उस पावरफुल अटर्नी से होता है जिसमें प्रिंसिपल ने पावर ऑफ अटर्नी को बनाते वक्त यह साफ तौर पर लिख दिया हो कि उसके अक्षम हो जाने पर, उसके डिसेबल्ड हो जाने पर भी पावर ऑफ अटर्नी जारी रहेगी। हालांकि प्रिंसिपल की मौत हो जाने पर ये ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी इनवैलिड हो जाती है, वैलिड नहीं रहती है। कुछ जगहों पर ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटर्नी भी कहा जाता है। इसके तहत एजेंट प्रिंसिपल की मेडिकल केयर से जुड़े हुए अहम फैसले लेने का अधिकारी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जनरल पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है, वैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराने पर ज्यादा महत्व हो जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, खास तौर पर जब मामला अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जिन जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू होता है वहां इस डीड को सब रजिस्ट्रार के पास जा करके रजिस्टर करा सकते हैं, और बाकी जगहों पर आप अटेस्टेशन, नोटरी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा करके इसको रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय दो या उससे ज्यादा गवाहों का वहां पर होना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल को, एग्जीक्यूटेंट और इसे पाने वाले को GPA या फिर SPA होल्डर कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत से बाहर पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाई जाती है, यानी कोई शख्स अगर भारत से बाहर है और इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है तो वो पावर ऑफ अटर्नी कैसे बना सकता है। भारत में किसी भी प्रॉपर्टी को डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटर्नी को तैयार करके उसको रजिस्टर कराया जाता है।
जा सकता है। अगर पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर कराया गया है तो कागजात भारत आने के 3 महीने के अंदर अंदर जिला अधिकारी से उसको मान्यता दिलानी होती है। विदेश में यह डीड स्टाम्प पेपर पर नहीं बल्कि सादा पेपर पर कराई जाती है, लेकिन इसे नोटराइज कराना बहुत जरूरी होता है। भारत में इसे स्टाम्प पेपर पर ही तैयार कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, कितने तरह का होता है और पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैलिड रहता है। साथ ही आपने जाना कि कोई शख्स विदेश से पावर ऑफ अटर्नी को कैसे तैयार कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।